अगली अहम खबर है हैदराबाद की गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां पर सच न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद समद ने आवाम से बातचीत की है प्रजा पलाना स्कीम को लेकर। जी हां, कांग्रेस की नई हुकूमत की जानिब से जो गारंटी स्कीम दी गई है हैदराबाद व तेलंगाना की गरीब आवाम के लिए, उसके चलते सच न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद समद ने आवाम से रूबरू होकर उनसे बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि वाकई कांग्रेस की जानिब से अनाउंस की गई 6 स्कीम्स का उन्हें फायदा मिलने वाला है, क्या आवाम इन फॉर्म्स को फिल करने में कामयाब हो रही है और आवाम को किस तरीके की उम्मीद है इस नई हुकूमत से। सच न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद समद ने प्रजा पलाना कैंप जाकर वहां मौजूद आवाम जो फॉर्म्स फिल करने आई थी उनसे बातचीत की और आवाम ने क्या कहा, आवाम ने किस किस्म का रिएक्शन दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचिन मैं मोहम्मद समद आपका इस्तकबाल करता हूं। अभी मैं गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के गोशा महल डिवीज़न है, जहां पर महाराणा प्रताप यहां पर एक कमेटी हाल है, जहां पर जो कांग्रेस की जानिब से जो 6 गारंटी के जो स्कीम जो 28 तारीख से शुरू हुई थी उसका आज तीसरा दिन है। तो हम यहां के हालात का जायज़ा लेने के लिए आए, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि लेडीज़ की रो है मगर जेंट्स जो एप्लीकेशन देने के लिए आ रहे हैं वो जेंट्स का रो नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ यहाँ पर ठहरी हुई दिख रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर एक एप्लीकेंट है जो उनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? सैयद रहमान। रहमान साहब कितनी देर कब से आप यहाँ पर? करीब 3 घंटे हो गया साहब, अभी तक हमारे 3 घंटे हो गए, अभी तक हमारा नंबर ही नहीं है, अभी टोकन दिया, अभी चल कल आओ बोलते, मंगलवार को आओ बोलते अभी लोग। नहीं जेंट्स की नहीं, ओनली लेडीज चल रहा। सवाल कर रहे थे आप पुलिस डिपार्टमेंट में? मैंने कोई आई नहीं ना, ओनली लेडीज ही बोल रहे लोग, हाँ जेंट्स को तो कोई बोल रहा नहीं इधर। जी हाँ मैं एप्लीकेंट हूँ, कुछ भी नहीं है भाई। क्या है बोले तो जेंट्स के लिए खाली टोकन दे रहे, लेकिन खाली लेडीज के लिए जो है अंदर जाने का है, लेकिन इससे ये है कि ना काउंटर्स बढ़ा देने में अच्छा है, और तारीख जो है 6 तारीख से और डेट बढ़ाने से जो पब्लिक जो है ना, जो लेडीज होंगे ये परेशान नहीं होती। अगर जो एक 8-10 दिन का जो दिए है नो टाइम, इसके बदले और एक 8-10 दिन या 20-25 दिन का भी अगर टाइम देते हैं तो ये ऐसी भीड़म्भाड़ी नहीं होती जो कर रहे हैं हमारे साथ। अब जो अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने नहीं आ रहा था, उनके मदद के लिए कोई डेस्क है यहाँ पर? जी हाँ है, उनके मदद के हेल्प भी बहुत है, बहुत लोग मदद कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काउंटर है, काउंटर के अंदर 5-6 जने बैठे हुए हैं, वहाँ के तक मदद सही हो रही है। लेकिन क्या है बोलते हो, ये जो अंदर जाने के टाइम पे टोकन्स भी दे रहे हैं, लेकिन कितना भी दिए तो जो ये काउंटर्स बस नहीं हो रहे, तो इसके वजह से क्या है बोलते, काउंटर्स और बढ़ाना चाहिए और जो है समय और देना चाहिए, और एक 15-20 दिन बढ़ के देने से क्या है लेडीज परेशान नहीं होती, छोटे छोटे बच्चों को ले लेके आए, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग लेके आ रहे, सो बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन काम अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या है परेशानी हो रही है। मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस की एक सीनियर अधिकारी लीडर भी है जो कार्यकर्ता है महिला, तो आप बताइए कैसा अभी यहाँ का अच्छा माहौल है, टोकन सिस्टम चल रहा है, इसलिए लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, शांति से सब काम हो रहा, सबका काम हो रहा, नहीं बोल के नहीं है। 6 बजे तक यहाँ पर चालू है, 6 बजे तक जितों की हो सके उतेंगे करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे बुला के करेंगे बोल के। मजीद जी मेरे को ये बताइए कि जो एप्लीकेशन ले रहे हैं तो वो कितने काउंटर से? अंदर 5 काउंटर से। यहाँ की जो आवाम है उनके लिए बस होते हैं? बस तो हो रहे, कर रहे हैं, उन्होंने भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऑफिसर भी बोल के नहीं बोल के नहीं, उन्होंने भी बहुत मदद कर रहे हैं, पुलिस वाले भी बहुत मदद कर रहे हैं, पब्लिक को नाराजगी नहीं हो रही, मगर इतना है कि पब्लिक एकदम आने से एकदम पब्लिक आने से प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा, कि जगह बस नहीं हो रहा थोड़ा। पब्लिक क्या है मालूम है, बाहर के जैसा कि ऊपर दुलपेट के लोग भी इधर आ जा रहे हैं, और जो यहाँ पर 14-11, 14-1 चल रहा, 14-2 भी आ जा रहे हैं, 10 भी आ जा रहे हैं, इस वजह से कंफ्यूज हो रहा सबको, दूसरा कुछ भी नहीं है, काम अच्छा ही चल रहा। क्या टाइम से क्या टाइम तक ये फॉर्म ले रहे हैं? सुबह 8 बजे से तो ऑफिसर आ जा रहे हैं, 8:30 से चालू हो जा रहा है, तो रात में 6 बजे तक तो रह रहा है शाम में। अभी एक महिला अधिकारी बोल रही थी कि 5 बजे तक क्लोज होने वाला है। 6 बजे तक रख रहे हैं, फिर भी 5 बजे तक तो क्लोज हो रहा है, जितने अंदर आ रहे हैं तो 6 बजे तक तो रखते हैं।
टोटल मैं 10 बजे आया, 10 बजे से इधर हूँ। काम तो हो रहा, अच्छा ही हो रहा काम, थोड़ा लेडीज़ को थोड़ी परेशानी हो रही, घंटे बहुत लग जा रहे और किसी को टोकन मिल रहा किसी को नहीं मिल रहा। हुकूमत से गुजारिश है कि अच्छे से अच्छा काम होना पब्लिक के लिए। और ये जो 6 तारीख के दिन जो ये ख़त्म कर दे रही स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट, तो हमारी गुजारिश है कि 2 महीने इसको बढ़ा देना डेट। ये 6 तारीख की कुछ रख रहे, 6 तारीख से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हैदराबाद में पब्लिक हज़ारों में तो नहीं है ना, लाखों में पब्लिक है। बोलने की बात वो है, मेरा तो काम होगा, स्लिप में ले लिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद नवीद अली। ये थे हमारे साथ सैयद नवीद अली। और यहाँ पर हम कांग्रेस के लीडरों से भी बात करें और वो बोल रहे हैं कि 10 बजे से 6 बजे तक तो ये लोग फॉर्म ले रहे हैं, यहाँ के अधिकारी जो है बहुत काम तो कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन साथी के साथ मैं मोहम्मद समद, सच न्यूज़। Hello everyone. Success Group of institutions have organized Sports Carnival this year under the banner of Success Sports Academy to encourage students to have fun, to get active and to work together in various physical activities and challenges. As it is said that a sound mind lies in a sound body, we want all our students to be good at both studies and sports. I congratulate all the students who achieved victory in the qualifying rounds and even to those who lost. I am thrilled to inform you about the much awaited final competitions going to be held at LB Stadium on 19th and 20th of this month. Be evident to encourage and appreciate the sportsmanship and excellence displayed by your talented students. I wish everyone all the very best for the final competitions. Thank you.